क्यों नहीं बुलाया? बाहर वीडियो बना रहे हैं, आवाज तक भी नहीं है, गली पड़ोस वालों को भी नहीं पता, इनकी बहू जल गई है। जब एम्बुलेंस आई सबने कहा लड़की के तन पे एक भी कपड़ा नहीं। जब हमने केस को घुमाने वाले, कहते ना पुलिस एक ऐसी चीज है, प्रशासन एक ऐसी चीज है, ये इंसान को बचा भी सकती है और मार भी सकती है। मैं तो ऑन द स्पॉट सिद्धि साहब से के लिए ये बात कर रही हूं, विजय एएसआई ने इन सबको मुजरिमों का साथ दिया है। और बालगर का कहना था लड़की 40% जली हुई है, जबकि 90% लड़की जल चुकी थी। और इन्होंने हमसे झूठ बोला कि सास रह रही है, देवर रह रहा है, नंद है, तीनों जने ऊपर है और नीचे एक लड़की को आग लग रही है। तो आप एक बात घर में क्या आवाज नहीं आती, चीखा चिल्लाया नहीं जाता? बोल रही थी, बोल के दिखा, लड़की आवाजें मार रही है, इतना लड़की बोल रही है। जलते हुए भी ये कह रही है शिखा मुझे बचा। एक मेरे को बात बताओ, इनसे जो अब एएसपी सर है उनसे पहले कुलदीप सर थे, उनसे भी हम मिले, उनका भी यही कहना था हम सबको अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट करेंगे, करते करते हमें 3 साल हो गए, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला किसी का भी, किसी भी तरह से। और आज भी हम आए हैं, हमने ये कहा कि जब आप किसी को अरेस्ट करो तो हमें बता देना, हमें बताया नहीं गया, एट ए टाइम हमें पता चलता है तो हमें कहते हैं तुम जेल में जाके मिलो। एक बार तो हम जेल में क्यों मिलने जाएंगे इससे, हमें पुलिस वाले भी। यशपाल गर्ग का कहना था लड़की 40% जली हुई है, जबकि 90% लड़की जल चुकी थी। और इन्होंने हमसे झूठ बोला कि लड़की तुम्हारी सिर्फ 40% जली है, यही सबको कहता रहा, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, किसान आंदोलन। ये लड़की 40% कह सकते हैं उसको, जली को कोई कह सकते हैं उसको 40%? कब की घटना है? लड़की की घटना 3 साल हो गए, 2021 की है ये। सर मेरे पास 2:30 बजे फोन आता है दोपहर में और रात को अग्रोहा हॉस्पिटल 11 बजे मैं पहुंचती हूँ। और उस टाइम मैंने जब अपने सिस्टर को देखा ना, मतलब कि इसने भी ये कहा कि 40% जली है, जब मैंने उसको देखा ना कि उसका मतलब कि 90% वो जली हुई थी। जब हमने देखा वहाँ डॉक्टर आए चेकअप के लिए, उनसे हमने पूछा कितने परसेंट जली है, बोले 90% जली हुई है। उस टाइम उसको अपनी होश नहीं थी, हम उससे क्या तो बात करते, क्या हम चीत करते सर, उसको कुछ होश नहीं थी। ये लड़की ने आग बुझाई और न्याय मांगने के लिए आप पहुंचे हो, बाकी आरोपियों को भी। हाँ जी हाँ जी, औरों को भी जो पुलिस वालों का ये कहना है कि मरती हुई लड़की ने जज साहब के सामने ये स्टेटमेंट दी है कि मेरे को मेरे घर में किन्ना आया और किन्ने की वजह से मेरे घर में लड़ाई हुई, 7:30 बजे शाम को मैंने अपने आप को आग लगा ली। सर अगर मेरी सिस्टर ने 7:30 बजे आग लगाई है और वो सुबह 10:30 बजे एडमिट हो रही, तो 14 घंटे मेरी सिस्टर रात को कहाँ थी? 90% लड़की जो जली हुई है उसको इन्होंने सारी रात कहाँ पे रखा? अगर हम लड़की के प्रशासन से भी यही पूछेंगे, प्रशासन का कहना ये है कि हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम भी चल रहे हैं, तो 14 घंटे का ये इनसे हमें क्लियर करो, हमारी 14 घंटे लड़की इन्होंने कहाँ पे रखी, 90% जली लड़की इन्होंने कौन से क्लिनिक में रखी, कहाँ पे रखी, कहाँ पे नहीं रखी? अगर पहले नरवाना के हॉस्पिटल में हुई है, फिर वो अग्रोहा के हॉस्पिटल में हुई है, पुलिस वाले सारी चीज गोलमोल गोलमोल करते रहे हैं हर चीज में। लड़का कहता है आग बुझ गई, टैडी बियर से आग लगाई, मैंने आपको वो फोटो दिखाई और टैडी बियर पे वो जली है, उसका कहां है? टैडी बियर है, जिस टैडी वो लड़की का अगर जला होता तो नीचे देखो आप बताओ, ये लड़की 95% जलने के बाद अपने आप को क्या ये 40% जली हुई है बताओगे आप? ये 40% है ये लड़की, कौन कहेगा? पूरी जलेगा। अगर वो ये कह रहा है अगर ये अपने आप को, इसने आग बुझ गई थी, इसने टैडी बियर पे बैठी, ये बैठने के बाद जली हुई है, ये बैठने के बाद जली हुई है, ये कैसे है? बैठने के बाद नहीं ना जली हुई है, ये पहले ही इसका इन्होंने किया है, सारी रात साजिश रच दी है इन्होंने, कुछ नहीं है और इसको अंजाम दे। और पुलिस वालों का ये कहना है कि खाली लड़का इसमें गुनहगार है, ससुराले ने एक बात बताओ, डबल पोर्शन है, ऊपर सास रह रही है, देवर रह रहा है, नंद है, तीनों जने ऊपर है और नीचे एक लड़की को आग लग रही है, तो आप एक बात घर में क्या आवाज नहीं आती, चीखा चिल्लाया नहीं जाता है? ना तो कोई दरवाजा टूटा ना कुछ, उल्टा सिर्फ रिकॉर्डिंग वो वीडियो बनाई, वीडियो इन्होंने अपने उसके लिए बनाई है कि हम सेफ रहे, अपने बचाव के लिए उन्होंने वीडियो बनाई है, जो कि वीडियो इन्होंने उसको खुद जला के जान के बनाया है। वो लड़की बेहोश हो चुकी है बेड पे, उसके बाद वो लड़की जल गई। अब ये देखो प्रशासन से तो अब भी मैं उम्मीद कर रही हूँ, एक मिनट, प्रशासन से तो मैं अब भी उम्मीद कर रही हूँ और मैंने पहले भी उम्मीद कर दी, बट बात वही आई ना, प्रशासन ने हमारा कोई साथ पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं, और मैं किसी तरह का किसी के लिए झूठ नहीं बोलूंगी, प्रशासन ने हमारा पहले कोई भी साथ नहीं दिया। हमारे पास अब रिकॉर्डिंग भी है विजय एएसआई की, जिसके हाथ में सबसे पहले ये केस आया था, उसी ने इनका बचाव किया। कुलदीप डीएसपी आज जो इंस्पेक्टर साहब उनसे मिले, हाँ जी मैं मिली, मतलब उन्होंने ये कहा है कि ऐसा सुसाइड नोट में हमने इंक्वायरी करी है, तो सारा जो भी है किया धरा इसके हस्बैंड का किया धरा, तो मैं नहीं मानती कि इसके हस्बैंड का किया धरा। एक घर के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो रही है, उसमें क्या हस्बैंड ही इन्वॉल्व है? पूरी फैमिली इन्वॉल्व हुई ना सर, रात को वीडियो बननी शुरू हुई है, जब उसके साथ मारपीट भी कर रहा है तब की भी वो वीडियो हॉस्पिटल में भी बना रहा है, तो बहुत बोल रही थी, अब बोल के दिखा, लड़की आवाजें मार रही है, इतना लड़की बोल रही है, जलते हुए भी ये कह रही है शिखा मुझे बचा। एक मेरे को बात बताओ,
अगर उसको अपनी फैमिली वालों से इतना प्यार होता, वो ये कहती अपने हस्बैंड का नाम लेती, अपनी सास को बुलाती, अपनी नंद को बुलाती, अपने देवर, उसने मुझे बुलाया, अपनी बहन को बुलाया उसने, और आवाज क्यों नहीं बुलाया? बाहर वीडियो बना रहे हैं, आवाज तक भी नहीं है, गली पड़ोस वालों को भी नहीं पता, इनकी बहुत जल गई है। जब एम्बुलेंस आई सबने कहा अभी लड़की के तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। जब हम वीडियो बना रहे हैं दरवाजा तोड़ने की आवाज, किसी चीज की तो आवाज आनी चाहिए। साइलेंट वीडियो है, बिल्कुल साइलेंट वीडियो, वो जल रही है और कोई शोर शराबा नहीं। ये कह रहे हैं पुलिस, यशपाल गर्ग कह रहे हैं पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है, पुलिस कहती है हमें दरवाजा खुला मिला है, और यशपाल गर्ग कहता है वो खुद गाड़ी में बैठ गई, 95% बच्चा जला हुआ, कैसे कर देगा एम्बुलेंस में, खुद कैसे बैठेगा? विजय सर थे ना जो उनसे, उन्होंने, मैं नहीं कहना चाहूंगी, उन्होंने सबसे ज्यादा मुजरिमों का साथ दिया है, उनका हमारे पास रिकॉर्डिंग में विजय एएसआई कहता है कि इनके पड़ोसियों ने वीडियो बनाई है, ठीक है, समाज से सेविका वालों के वहां से फोन आता है, उनको कहते हैं जी ये वीडियो उनके पड़ोसी ने बनाई है, हमने पूरी तफ्तीश कर लिया है। जब आपने तफ्तीश कर लिया है तो चलान कॉपी में उसके देवर के बचाव के लिए ये लिख दिया कि वीडियो इसके देवर ने बनाई है, तो पड़ोसी का क्यों नहीं लगाया? पड़ोसी का आज तक हमने देखा भी नहीं, वो किसने बनाई है? विजय सर का कहना है वो छोटे से कद का, हमने आज तक उस पड़ोसी को भी नहीं देखा जिसका इन्होंने नाम लिया। पहले इन्होंने हमें भेज दिया कि पड़ोसी ने बनाई है, चलान कॉपी में लिखते हैं देवर ने बनाई, और देवर खुद कह रहे हैं बनी है। देवर भी कह रहा है, पूछा भाई जब आग लग रही थी हाँ जी, तो वीडियो बनाने से ज्यादा बचाना जरूरी है। हमने कहा उन्होंने तो, ये कहा हमें पता नहीं था, ऐसा ही विजय ऐसा ही बोले, उन्हें पता नहीं था भी आग लग रही है। आपने आपको यही बताया ना कि इस पूरे केस को घुमाने वाले, कहते हैं ना पुलिस एक ऐसी चीज है, प्रशासन एक ऐसी चीज है, ये इंसान को बचा भी सकती है और मार भी सकती है। मैं तो ऑन द स्पॉट सिद्धि साहब से के लिए ये बात कर रही हूं, विजय एएसआई ने इन सबको मुजरिमों का साथ दिया और अब भी देने का अब भी दे रहे हैं। ये कौन सा है? लड़का अंदर बैठा है, मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है अभी। पवन जिंदल जो उसका मामा है, उसका खुद का कहना है मुझे पता है यशपाल गर्ग ने क्या कुछ किया है, इनका एक उसके मामा है, को पवन जिंदल जो कि खुद ही क्राइम करके आया हुआ है, खुद ही मर्डर केस में रहा हुआ है। इसका जो पवन जो जिंदल है वो खुद ही एक क्रिमिनल है, उसने पहले एक मर्डर करा हुआ है और सारा कुछ बेच बाच के यहाँ पे आया हुआ है। वो मतलब कि स्कीम में लड़ाने में माहिर है, सब कुछ करने धरने वाले इसके ससुरालिए, इसके मामा पवन जो यहाँ पे ही रहते हैं। जब पहले कुलदीप सर थे ना, जब उन्होंने इनको अरेस्ट किया, बंद किया, हम लोग चले गए और उन्होंने इसको छोड़ दिया, इनके ऊपर केस नहीं बनता। हमें कहते हैं कि हमें केस किस लिए नहीं बनता है, आप बताओ। हम अपने घर भी नहीं पहुंचते, हमारे पास फोन आता है वो तो बाहर तो ये यहाँ से साफ होता है कि हमारा साथ दे हमारे को, और आप लोगों से भी यही कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दिलवाएं इन लोगों से, हमें इंसाफ चाहिए, इनके पूरे ससुरालियों को अंदर करो अंदर।